अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है, ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो, तो सब राममय हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है जैसे देवलोक में पहुंच गए हैं। यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम है, हम सफाई के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं जनसाधारण को, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है, तो जिस तरह से मैं सफाई करना चाह रही थी वैसा तो नहीं कर पाऊंगी शायद, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मन था कि मैं हनुमान जी के मंदिर में आके सफाई करूँ। कैसी लग रही कंगना जी अयोध्या? अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है, ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो। अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है, हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, हर जगह यज्ञ हो, हम भी अभी राम भद्राचार्य जी के वहाँ पे जो हनुमान यज्ञ सामूहिक यज्ञ कई हजार पंडित जो है यज्ञ कर रहे हैं वो उसमें हिस्सा लिया, भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है, तो सब राममय हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है देवलोक में पहुंच गए हैं। कई सारे लोग नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, उन लोगों ने नकार दिया इस कार्यक्रम को, कह रहे भाजपा का कार्यक्रम है। देखिए उन लोगों ने अगर उन लोगों के बस की होती तो राम कब का आ जाते, नहीं उनके लोगों के बस की नहीं है तो राम अब आ रहे हैं, तो उसका भी कोई रीजन है, और हमारे लिए तो ये राममय होने का वक्त है। जिनको नहीं आना है वो कहते हैं ना, कुछ शादियों में कई जो फूफा और चाचा होते हैं ना जो नाराज रहते हैं, तो वैसे फूफा और चाचा बन के रहे वो नाराज रहे। कार्यक्रम है उधर, राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू हो गई जी। आपको मुझे अयोध्या आके बहुत ही ज्यादा मेरे दिल को बहुत ज्यादा एक मैं कहूँगी कि इतना ज्यादा अच्छा अनुभव रहा है और बहुत ही सुकून है अयोध्या में, और एक तीर्थ है, बहुत ही जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं जो यहाँ पे हमें इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है।